तो दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बोटनी स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा, जहां हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक प्लस 38 नंबर तक क्वेश्चन हमने कर रखा था। 39 मैंने आपको बोला था कि आपको घर पर ट्राई करना है। तो इस सेशन हम क्या करेंगे, 39 से यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले 39 को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 39 नंबर यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक नाव धारा के साथ धारा के विपरीत, ठीक है, कुल 3 घंटा में जाता है। ठीक है, चल मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ इसको और अच्छे से क्लियर होगी। एक नाव धारा के साथ धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे, नाव की चाल आपसे पूछा है, बताइए कि नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको जो करना है इसमें सबसे पहले इसका की पॉइंट खोजना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का की ढूंढना है, सॉल्यूशन का जो की होगा ना वो ढूंढना है। तो अगर आप ध्यान से पढ़े तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, एक पॉइंट तो यहाँ पर मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। पहला पॉइंट ये है कि नाव धारा के साथ धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 4 किलो, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो नाव है वो 4 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर क्या हुआ 4 किलोमीटर वापस आया, तभी जाकर ये हुआ, मतलब क्या हुआ टोटल 8 किलोमीटर का हुआ। और ये जो 8 किलोमीटर जो तय किया वो कितने टाइम में तय कर रहा है, वो 3 घंटे में तय कर रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ आपका और गिवन है यहाँ पर, ये है कि देखिए आपको बोल दिया है कि जो धारा की चाल है यानी कि आपका VS है यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, धारा की चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बस तो आपसे पूछा है क्या है, बताइए कि नाव की चाल क्या होगी, है ना, नाव की चाल ज्ञात कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन बनाएंगे किसको लेके, इस स्पीड सॉरी ये जो आपका डिस्टेंस है और ये जो टोटल टाइम है इसको लेके हम क्या बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, तो अगर मान लीजिए कि हम एक बार क्या करते हैं कि 4 किलोमीटर पहले वो गया डाउन स्ट्रीम, एक स्पीड से गया होगा, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा क्या होता है, वी बी प्लस का वी एस होता है, प्लस अगर और 4 किलोमीटर वो वापस भी आता है किस स्पीड से, वी बी माइनस वी एस से आएगा। तो देखिए एक बार गया जाने का टाइम, एक बार आने का टाइम बराबर, देखिए आपका तो दिया गया 3 घंटा। तो अब देखिए चूंकि वी एस तो आपका गिवन है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वी बी क्या गिवन है, नहीं गिवन है। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि वी बी जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना कर सकते हैं आप। ठीक है, ये जो वी बी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, एज्यूम कर लीजिए। तो अब देखिए नया इक्वेशन क्या बनेगा आपका, जो नया इक्वेशन बनेगा आपका वो बन जाएगा 4/x + 1 प्लस, ठीक है, 4/x - 1 बराबर में 3। आगे क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका कॉमन आ जाएगा x + 1 और x - 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 1 और x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 रहेगा यानी 4 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 4 प्लस फिर से x - 1 और x - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 1 x + 1 × 4 मतलब 4x + 4, ठीक है, और यहाँ पर बराबर में 3। आगे सॉल्व कर लीजिए, देखिए -4 + 4 कैंसिल तो 4x और 4x कितना हो गया, 8x बराबर में। अब इसको अगर ध्यान से आप देखें तो a + b a - b यानी a² - b² के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 3x² - 1 इस तरह से लिखेंगे। फर्दर सॉल्व कीजिए इसको तो हो जाएगा 8x = 3x² - 3, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अब ये जो 8x है इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो इसको सजाएंगे तो क्या होगा, 3x², ठीक है, माइनस वैसे तो माइनस 3 होता, ठीक है, फिर प्लस 8x होता, तो चलिए उसे लिखते हैं, 3 + ये प्लस का 8x है तो इधर आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा अरेंज कीजिए तो देखिए क्या होता है, 3x² - 8x - 3 = 0, ठीक है। अच्छा अब आगे इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज कीजिए, तो 3 3 9 9 हो जाएगा ना, तो हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x²
ठीक है, माइनस नाइन, अच्छा यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए प्लस, प्लस नाइन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, थ्री एक्स कॉमन होगा, तो ले लीजिए कॉमन, यहाँ बचा एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और माइनस यहाँ पर वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री। तो देखिए क्या हो गया, वह एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और एक हो जाएगा, एक हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका, अच्छा एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका, यहाँ पे माइनस का नाइन लेना था, ठीक है, यहाँ पे माइनस का नाइन लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए आप प्लस, प्लस का वन एक्स, ठीक है, ये प्लस का वन एक्स और ये माइनस का नाइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता, ये हो जाता आपका माइनस का थ्री, और ये भी हो जाता आपका माइनस का थ्री, और ये हो जाता प्लस का वन, ठीक है। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो एक हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, और एक हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, प्लस का थ्री, और एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। तो कौन सा वैल्यू सूटेबल है आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमेशा x का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा ये वाला, तो x इक्वल टू क्या हो गया थ्री। x आपने क्या माना था, तो देखिए x आपने माना था ये रहा vb, ये देखिए vb को आपने क्या माना था, x माना था, तो x इक्वल टू आपका कितना आया, x इक्वल टू आपका आया थ्री, यानी तीन किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा वो बोट की चाल हो जाएगी। देखिए किस ऑप्शन में है, तो 39 नंबर हमने सॉल्व कर रहे थे, तो ये रहा बी नंबर जो है, तीन किलोमीटर प्रति घंटा है बोट का चाल दिया हुआ, तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी नाव के प्रतिकूल धारा, ये 40 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, एक आदमी नाव के प्रतिकूल धारा 16 किलोमीटर तथा अनुकूल धारा में 28 किलोमीटर जाता है, वह हर बार 5 घंटे का समय लेता है, तो धारा का वेग क्या होगा आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी आंसर आपको निकालना है और कमेंट में लिखना है, बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक आदमी नाव के प्रतिकूल धारा 16 किलोमीटर तथा अनुकूल धारा कितना 28 किलोमीटर जाता है, हर बार वो 5 घंटा लेता है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक बार जो जब वो कहाँ जा रहा है, अनुकूल जा रहा है, मतलब वी बी प्लस वी एस जा रहा है, ठीक है, और एक बार वी बी माइनस वी एस जा रहा है, मतलब एक बार अनुकूल जा रहा है, एक बार प्रतिकूल जा रहा है, तो अनुकूल जो भी जा रहा है उसके स्पीड बोल सकते हैं क्या, तो हाँ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा दिया हुआ है 16 किलोमीटर जा रहा है, सॉरी ये तो प्रतिकूल है, ठीक है, ये अनुकूल का लेते हैं फिलहाल, अनुकूल 28 किलोमीटर जा रहा है कितना 5 घंटे में, प्रतिकूल 16 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में, तो चूंकि डिस्टेंस है टाइम भी है, डिस्टेंस है टाइम भी है, तो हम स्पीड आसानी से बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 बट्टे में 5, ये अनुकूल, और प्रतिकूल हो जाएगा आपका कितना 16 बट्टे में 5। ये रहा दो इक्वेशन बन गया आपका, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका वी बी पूछे या फिर वी एस पूछे, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते क्या है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर है वो 41 होने वाला है हमारा। क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की अनुप्रवाह में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो एवं धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उधर प्रवाह में चाल क्या होगी। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं लगभग पीछे 4-5, ठीक है, आई होप आप खुद से करेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो पीछे के वीडियो जो भी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इवन मैं करवा दिया हूँ, ठीक है, सॉरी 8 तक हो गया, ये पार्ट 9 है हमारा, ठीक है, 8 पार्ट तक में मैंने बहुत से क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन आप कंप्लीट कराए हैं, वहाँ पे आपको इस ढंग के क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा 42 होगा, देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक नाभिक प्रवाह की अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 30 किलोमीटर और प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 4 घंटे में 8 किलोमीटर जा सकता है, प्रवाह की गति प्रति घंटा किलोमीटर में क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो क्या बोले कि एक नाभिक प्रवाह के अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर में आप इसको ओरली कर सकते हैं,
ठीक है, इसको ओरली कर सकते हैं कैसे, आप ही देखिए। बोले एक नाभिक प्रवाह के अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 30, 5 घंटे में 30 यानी कितना स्पीड कितना हो जाएगा अनुकूल, अनुकूल स्पीड हो गया इसका 6 का, क्योंकि टाइम से आप डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका स्पीड, ठीक है। तो यानी वी बी प्लस वी एस आपका कितना आ गया 6। चलिए मैं इधर लिखता हूँ, तो आप ही देखिए आपका वी बी प्लस वी एस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए वही बोल रहा है कि प्रतिकूल दिशा में 4 घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा है, 4 घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा है, मतलब स्पीड क्या हो जाए, 4 से 8 को भाग कीजिए 2 का स्पीड हो गया, तो यानी वी बी माइनस वी एस इक्वल टू हो गया 2। तो आप यहाँ से वी बी और वी एस तो दोनों ही निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए चलिए मैं दोनों ही निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये वी एस और ये वी एस कैंसिल हो गया, प्लस था और माइनस का था, तो यहाँ पर अगर 2 VB इक्वल टू हो गया 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, मतलब वी बी इक्वल टू हो गया आपका 4, ठीक है। अगर वी एस पूछता तो क्या करते हैं, शायद यहाँ पर वी एस ही पूछा है आपका, अच्छा हाँ वी एस ही पूछा है, तो वी एस पूछेगा तो क्या करेंगे, वी बी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। चलिए एक नंबर इक्वेशन में रख देते हैं, तो एक नंबर इक्वेशन में रखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए वी बी इक्वल टू 4 प्लस वी एस इक्वल टू 6, अब तो यहाँ पर होगा वी एस इक्वल टू होगा 6 माइनस का 4 इक्वल टू 2, वी एस कितना आएगा आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आसान था,